हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आपको मटर पनीर बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ, हम आसान तरीके से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 चम्मच तेल डालेंगे, इसमें मैं रिफाइंड का यूज कर रहा हूँ। इसमें हम पनीर ऐड करेंगे, पनीर को फ्राई करना है। ये लगभग 300 ग्राम पनीर है जिसको मैंने काट लिया है। आप किसी भी पीस में काट सकते हैं, छोटा या बड़ा। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये कलर चेंज ना करते। ये देखिए, मैं आपको पलट के दिखाता हूँ, इसने शायद कलर चेंज कर दिया है। ये देखिए, अब ये कलर आ चुका है इस पर, ये फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं। हम इसको हल्का गर्म पानी या गुनगुने पानी में निकाल के रखेंगे। ये मैंने गुनगुना पानी लिया है, ये हल्का गर्म। इसमें हम इसको इस तरीके से रख देते हैं। उधर अपना मसाला तैयार करते हैं, इधर ये पनीर इसमें रखा रहेगा। इसमें हम प्याज डालेंगे, 3 मीडियम साइज की प्याज थी। इसे मिलाएंगे, प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना हमें इसे प्याज को। ये देखिए, प्याज फ्राई थोड़ी सी की है मैंने, बाकी अभी हम करेंगे। ये थोड़ा सा अदरक है, 10-12 कली है इसमें लहसुन की, 10-12 काजू के। इसको मिलाएंगे अच्छे से, अच्छे से मिला के अच्छे चलाना है इसे। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, मीडियम साइज के 3 टमाटर थे। इसे ही मिलाएंगे अच्छे से। हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे जिससे जल्दी फ्राई हो जाए, अच्छे से हमारे टमाटर भी गल जाए। चलाते रहेंगे इसको। ये अच्छे से मैंने नमक को मिला लिया है, इसको हम ढक के लगभग 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये 3 मिनट हो चुके हैं मैंने ढक के पकाया है टमाटर गलाने के लिए। ये देखिए आप, थोड़ा चलाते हैं इसको। ये अच्छे से गला लिया मैंने। अब हम इसको मिक्सी में बर्तन में लेके इसका पेस्ट बनाएंगे। इधर हमने बर्तन चेंज कर दिया है, ये हमने मिक्सी के बोल्स में इसको लेके इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। और जो हमने जिसमें हमने टमाटर वगैरह फ्राई करा था, इसी में हम पानी लेके थोड़ा सा इसमें 1/2 कटोरी पानी यूज करेंगे पेस्ट बनाने के लिए। और इसमें हम 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे, रिफाइंड है। 1 चम्मच हम इसमें बटर ऐड करेंगे, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है मटर पनीर में। 1 तेज़पत्ता का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा है, 2-3 लौंग छोटी, 3 इलायची छोटी है, 2 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा आपको ये मटर पनीर बनाने का। इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हम हल्दी लेंगे और 1.5 चम्मच हम मिर्ची पाउडर लेंगे। ये मसाले हैं हमारे, इसे मिलाएंगे अच्छे से। ये अच्छे चला लिया है मैंने, इसके अंदर हम पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है जो हमारे टमाटर और प्याज का, और इसमें हमने लहसुन काजू वगैरह डाले थे, इसको इसमें ऐड कर दिया। इसको चलाएंगे हम, अच्छे चलाना है इसे। और जो बर्तन बोल्स में हमने करा था, इसमें हमने 1/2 कटोरी पानी लेके अच्छे से मिला के हिला के उसको वो पानी ऐड करा है इसमें। इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे 2 से 3 स्वाद अनुसार। 1 कटोरी मटर डालेंगे, ये फ्रेश मटर है जो ताज़ा सीजन वाई होती है। मटर को हमें गलाना भी है अच्छे से, तो हम इसको अच्छे चला के इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, छोटा चम्मच है। इसे मिलाएंगे अच्छे से, ये अच्छे से मिला लिया है। मटर भी गलानी है और अपना मसाला पकाना है, तो लगभग हम इसे 4 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। ये 4 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, तेल ऊपर आ चुका है, मटर भी हमारी अच्छे से गल चुकी है, और मसाला हमें भी और भूनना है। मटर पनीर जो रेसिपी है, ये साई रेसिपी है, इसे आप किसी भी तरीके से बनाइए, स्वादिष्ट लगती है। 1 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसमें हम पनीर ऐड करेंगे, लगभग 300 ग्राम पनीर था ये। इसे मिलाएंगे अच्छे से, ये अच्छे से मिला लिया मैंने।
इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आप पानी अपने हिसाब से ऐड करिए, मेरे को तरी ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए मैंने पानी बहुत कम यूज़ किया है, आधी कटोरी मान लीजिए। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो एक कटोरी पानी ऐड कर लीजिए इसमें। अच्छे से मिला लिए, इसका नमक चेक कर लेते हैं और इसको लगभग हम 5-6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये 5 मिनट रखा था मैंने और ये देखिए आप मटर पनीर तैयार हो चुका है। देखिए कितना शानदार कलर आ रहा है इसमें, मैं ऊपर से थोड़ा हरा धनिया, इससे और स्वाद बढ़ जाता है। ये देखिए आप, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे बनाने का, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। ये एक साइड डिश है मटर पनीर। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं तो इसी में आप कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए, यानी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए मटर पनीर खाने के लिए अगर तैयार है, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे बनाने का, आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें इसको। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल भी दबाइए से हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।